हेलो बुकड़ो, कैसे हो आप सब। तो आज आपके लिए लेके आए लखनऊ के टॉप 5 प्लेसेस जहाँ पे आपको बेस्ट खस्ता मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए खस्ता वाली सीरीज बनाते हैं और ढूंढ के निकालते हैं वो सारी जगह जहाँ पे सबसे अच्छे खस्ते मिलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भीड़ काफ़ी सारी लगी हुई है, काफ़ी लोग खड़े हैं लाइन लगा के। यहाँ पे मिलते हैं लखनऊ के बेस्ट खस्ते। वैसे लखनऊ अपने कबाब और खस्ते के लिए बहुत जाना जाता है और पूरी सब्जी के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो मैंने कबाब सीरीज भी कर ली है और पूरी सब्जी की भी सीरीज कर ली है। अब मैं पहुँच गई हूँ खस्ता सीरीज करने, देखते हैं खस्ते में क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ पे चौक में। चौक पे आप ये देखेंगे संजय खस्ता, बहुत छोटी सी शॉप है और यहाँ पे भैया खिला रहे हैं खस्ता। और खस्ते बनाने की तरीका देखिए, ये देखिए, पहले उठाते हैं खस्ता, फिर खस्ते पर लगाते हैं मटर, मटर के ऊपर लगाते हैं चटनी, चटनी के बाद लगाते हैं सारे मसाले। ये आपको मसाले मिलेंगे और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, ये देखिए। तो भैया सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप लोग और कितने बजे तक रहते हैं? 2 बजे तक ये सब खत्म। तो स्पेशल क्या रहता है आपके खस्ते में? मटर लगा के देते हैं। वैसे हमने बहुत जगह पे देखा है खस्ता विद आलू होती है, जैसे ये आलू है पर जब अभी देखना ये मटर, इनकी स्पेशल मटर है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और ये सारे पत्ते पे लगी हुई है। ये देखो भैया पैक कर दिया दोनों चटनी मिला के, पैक कर दियो। यहाँ पे आपको अच्छी खासी भीड़ दिख जाएगी और लोकेशन एक बार दिखा देती हूँ। ये गया है चौक का पुल, यहाँ पे KGMU है, KGMU से आप इधर आएंगे, छोटी सी जगह है और ये संजय खस्ता के नाम से काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको 25 रुपये में 2 खस्ते मिल जाएंगे। तो अभी अपने लिए खस्ता निकलवाते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो खस्ते की तलाश में आप दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं रत्तीलाल के खस्ते के, यहाँ पे जो बहुत टाइम से मैं सुन रही हूँ जिसके बारे में बहुत फेमस है ये जगह। जैसे कि मुझे बात करके पता चला ये 1937 से लखनऊ वालों को खस्ते खिला रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं इनके खस्तों में ऐसी क्या खास बात है और क्यों भाई इतने खस्ते इनके पसंद किए जाते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं खाए, मैं पहली बार खाने जा रही हूँ। तो देखते हैं, मैं भी बताती हूँ, इसको मैंने सेकंड नंबर पर रखा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि भुक्कड़ रत्तीलाल का खस्ते गया, जाओ एक बार वहाँ का ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली हम आ गए, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे रत्तीलाल खस्ते कितने साल पुराना है? पहले से है तो ये सबसे पुराना है, बाकी दो आउटलेट है। दो कहाँ पे और? तो अभी यहाँ का आपका खस्ते का प्राइस क्या है? 25 रुपए पर पीस रहेंगे और उसके साथ में आलू रहती है। तो हमने हमारे लिए फटाफट लगवा दीजिए, तो हम भी बताते हैं देखिए कैसा है यहाँ का टेस्ट। नो, एक बड़ा ऊपर भेज दो, फुड़वा के दे देगा गरम भर के। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? बहुत समय हो गया। बहुत समय? तो रत्तीलाल के खस्ते आपको पसंद है पूरे लखनऊ में? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट लगते हैं। थोड़ा तो कहाँ पे रहते हैं वैसे? हम रहने वाले हैं सरोजी नगर में, कलियाखेड़ा गांव में। वहाँ से तो आए हैं यहाँ खाने के लिए? हाँ हाँ। जब भी इधर आते हैं तो फिर रत्तीलाल के खस्ते? भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और किसानों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, किसान मजदूरों के लिए, उसी में आया हूँ। उसी में आए हैं तो आप ही अंकल खा रहे हैं? जी जी जी, बहुत टाइम से। 54 से। चलिए देखिए कितने पुराने टाइम के कस्टमर है, तब से ये खा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ट्राई करने से। बहुत कुरकुरे हैं, करारे करारे खस्ते हैं, खस्ते के अंदर फिलिंग भी है, साथ में ही आलू भी है और मटर है, साथ में ही आपको प्याज है, नींबू भी मिला है और मिर्ची भी है, जो मिर्च का काफी अच्छा लगता है। कर दो भाई, दिख गए। कौन से आप कितने दिन से खा रहे हैं यहाँ पे? हम डेली
डेली आते हैं खाने खाने? मतलब कब, कितना टाइम हो गया होगा? कुछ साल बाद हो गए होंगे? 70 साल हो गए. 70 साल से? अच्छा कहाँ पे रहते हैं वैसे आप? मैं सुंदरबाग. सुंदरबाग में रहते हैं तो वहाँ से यहाँ आना कितना लग जाते हैं? रतिलाल तो यहाँ से निकलते हुए कुछ ना कुछ खाते हुए खस्ते या तो क्या? आप यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? बड़े और खस्ते. बड़े और खस्ते खाते रहते हैं? देखे कितने पुराने कस्टमर हैं. कानपुर वाले तो मुझे ही खाते हैं. चलिए अंकल थैंक यू सो मच. भीड़ देख रहे होंगे आप मेरे पास. तो अभी मैं आ गई हूँ दुर्गा खस्ता जो कि लाटोज रोड पे है. और यहाँ के खस्ते की स्पेशल बात ये कि सुबह 3 बजे से ये लगा देते हैं. तो ये वो तीसरी जगह है जहाँ पे आप खस्ता खाना मैं पसंद करती हूँ. जहाँ के खस्ते काफ़ी टेस्टी होते हैं. तो लखनऊ में टॉप 3 प्लेसेस पे हम आ गए हैं दुर्गा खस्ता पे जो काफ़ी पुरानी शॉप है. और सबसे खास बात है कि सुबह के 3 बजे खुल जाती है. तो यहाँ पे चलते हैं देखते हैं यहाँ का प्राइस क्या है. और यहाँ भीड़ अभी भी लगी है. अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं. ये माहौल है 1 बजे का देख लीजिए यहाँ पे. उसके अलावा सब्जियाँ और पूड़ी भी मिलती हैं, भटूरे भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ मिलता है. और पत्ते पे ही आपको खस्ता मिलेगा. लखनऊ की खासियत ये है खस्ते के मामले में कि ये पत्ते पे आपको खस्ता सर्व करते हैं. पत्ते पे फिर या कागज़ पे आपको वो आज के ज़माने वाले दुने नहीं मिलेंगे. ये देखिए. मैं एक चीज़ पूछूंगी भैया, कभी ये बंद होती है दुकान? होली होली पे बंद करते हैं ऐसे लगातार हर दिन यहाँ मिलेगा? जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं सुबह के 4 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक. अंकल आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे खस्ते? 20 साल से. कैसा लगता है आपको खस्ता? बहुत बढ़िया. रहते कहाँ पे हैं? आलमबाग से यहाँ खाने आते हैं. मैं कृष्णा नगर से आई हूँ यहाँ खाने. तो मुझे भी बढ़िया लगते हैं यहाँ के खस्ते. तो फाइनली खस्तों की तलाश में मैं आ गई हूँ राजाजीपुरम में परदेसिया खस्ते पे जो कि लखनऊ की काफ़ी पुरानी शॉप है जो कि 30 से 40 साल पुरानी है. और यहाँ के खस्ते भाई बहुत ही टेस्टी है. भीड़ देख सकते हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं खाने के लिए. हाल देख लीजिए. और यहाँ के खस्ते की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है. इससे पहले भी मैंने यहाँ के खस्ते खाए, एक नंबर खस्ते. तो अंदर चलते हैं आगे ओनर से बात करते हैं देखते क्या क्या है यहाँ पे. तो ये खस्ते की शॉप कितने साल पुरानी होगी? 86 से स्टार्ट किया था, खुलचे से रहना चाहिए. तो ये मतलब आपसे क्या पिता से है? तो क्या क्या रहता है आपके यहाँ? खस्ता सब कुछ रहता है. तो खस्ते आपके यहाँ कितने रुपए में मिलते हैं? 35 रुपए का पत्ता है. और टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? टाइमिंग सुबह 9 से 5. सुबह 9 बजे से 5 बजे तक. दोपहर में भी मिलते हैं? ऐसा तो नहीं दोपहर में बंद हो जाता है? शनिवार और रविवार को जल्दी काम खत्म होगा. जल्दी काम खत्म हो जाएगा. शनिवार और इतवार को भीड़ ज्यादा रहती है. तो यहाँ पे फटाफट भागते हुए आ सकते हैं. अभी हम जा रहे हैं अपने लिए ट्राई करने कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, फिर बताते हैं आपको. रही भैया हमने मंगा लिए परदेसिया के खस्ते. ये खस्ते वैसे ही लग रहे हैं जहाँ से हमने चौक में खस्ते स्टार्ट किए थे वैसे ही. इन्होंने पापड़ी दी है, उसके ऊपर मटर लगाई है और प्याज लगाया है. तो उसके ऊपर चटनी लगाई है और बहुत अच्छे से मसाले से गार्निशिंग की है. तो भाई देखो टेस्ट खा के बता. करारे करारे हैं बहुत ही ज़्यादा. यहाँ की चटनी की बात करें तो जो मैंने पहले चौक में खाया था उतनी अच्छी नहीं है. पर हाँ मीठापन आ रहा है, अच्छा है टेस्ट में. और जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना और जो आके ओट में लग रहे हैं भाई साहब मज़ा आ रही है. यहाँ की लोकेशन बता देती हूँ मैं आपको. जैसे ही आप आएंगे राजाजीपुरम ई ब्लॉक में और ये पार्क है. पार्क के लिए ये डी ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ पार्क में दिख जाएगा परदेसिया के मशहूर खस्ते. यहाँ पे जैसे ही आपको भीड़ दिख जाए तो आप यहाँ पे आ जाइएगा. यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो जरूर से जरूर यहाँ पे ट्राई करिएगा. आप चाहते हैं नंबर 5 पे लखनऊ के ढूंढने की कहाँ पे बेस्ट खस्ते मिलते हैं. तो चलो देखते हैं कहाँ पे.